go. Yeah. Come on. Stay with me. Stay with yes. Me. Let's go. Move. I'm got here. You. Got you. Got you. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है गाइस ऑन अ वेरी सीरियस नोट इस वीडियो को बनाने का मेरा इंटेंशन किसी का मजाक उड़ाने से नहीं है मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि जो एक्सीडेंट एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के साथ हो सकता है वो आप या मेरे साथ भी हो सकता है इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ उससे पहले ये एक्सीडेंट जिसके साथ हुआ उनका नाम रियान क्रोली है जो कि एक 23 इयर्स ओल्ड यूके बेस्ड प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है इनके साथ ये एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले इंक्लाइन बेंच प्रेस करते टाइम हुआ जिसमें इनका चेस्ट का राइट पैक टूट गया इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई रियान क्रोली इज़ अ इंस्पिरेशन साथ ही में बात करेंगे ऐसी कुछ गलतियों की जो रियान क्रोली से हुई और हम उन गलतियों से क्या सीख ले सकते हैं मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ ना ही मेरा एक्सपीरियंस रियान क्रोली से ज़्यादा है और ना ही मेरे पास नॉलेज उन लोगों से ज़्यादा है जो उस टाइम वहाँ पे मौजूद थे जब ये एक्सीडेंट हुआ लेकिन फिर भी मुझे ऐसी कुछ गलतियाँ दिखी है जो हो सकता है वहाँ पे अगर नहीं होती तो शायद ये एक्सीडेंट ना होता और इतनी बड़ी इंजरी रियान क्रोली को नहीं होती मैंने कुछ दिनों पहले एक जीत सलाल सर का वीडियो देखा जिसमें वो बता रहे थे कि जो रियान क्रोली ने इससे पहले वाला सेट मारा था उसमें उन्होंने 405 LBS पे मारा था और जब आप इतने वेट पे मारते हैं उसके बाद आप वन रेप मैक्स जब लगाते हैं तो वन रेप मैक्स लगाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और जब आप वन रेप मैक्स लगा रहे हैं तो आपको स्पोर्टर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो इसी के साथ जब स्पोर्टर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि जो इस वीडियो में जो स्पोर्टर थे वो है लेरी व्हील्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड इनका यूट्यूब चैनल भी है वहीं ये वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें ये एक्सीडेंट हुआ लेरी व्हील्स वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट प्रो बॉडी बिल्डिंग का खिताब भी जीत चुके हैं और कुछ दिनों पहले ये इंडियन आर्म रेसलर से आर्म रेसलिंग में हार भी चुके हैं जिनका वेट लेरी व्हील्स से 40 से 45 किलो कम था पॉइंट ये है कि जिस इंसान का स्पोर्टर लेरी व्हील्स जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है उसके साथ भी अगर एक्सीडेंट हो सकता है तो आप अपने स्पोर्टर पर कितना रिलाय हो सकते हैं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने स्पोर्टर पर ट्रस्ट ना करें लेकिन कोई भी वेट उठाने से पहले इतना ये जान ले कि आपके अंदर उस वेट को उठाने की स्ट्रेंथ है अगर नहीं है तो आप वेट आप सिर्फ अपने स्पोर्टर पर रिलाय होकर वो वेट ना उठाएं अब बात करेंगे कि व्हाई लेरी व्हील्स इज अ इंस्पिरेशन उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जिस इंसान के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है इतनी बड़ी इंजरी हुई है किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो वापस बॉडी बिल्डिंग कर पाएगा लेकिन रियान क्रोली ने 3 महीने के अंदर वापसी की और वापस वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है अगर रियान क्रोली आपको इंस्पायर नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ आपको इंस्पायर कर पाएगी एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है आप कितने भी प्रोफेशनल हो आपको कितना भी नॉलेज हो एक्सीडेंट 1 सेकेंड का गेम है 1 सेकेंड में आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन आप उस एक्सीडेंट से वापस डील कैसे करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियान क्रोली इज़ अ बॉडी बिल्डर ही इज़ अ एथलेटिक ही इज़ अ वॉरियर और रियान क्रोली ने ये प्रूफ कर दिया है कि गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन सो नेवर गिव अप सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय